तो आपसे बढ़िया होंगे। अगला नंबर से स्कॉर्पियो का एक साइड वाला रहने वाला जो कि अपना ये रहने वाला कानपुर का उसके फ्रेंड की बात करें तो उसमें एच एच प्रोजेक्टर रहने वाला देख सकते हैं। एच एच प्रोजेक्टर प्लस उसमें डी आर एल क्योंकि मैसेज डी आर एल है। हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट उसमें अपना एच एच प्रोजेक्टर और इसमें डी आर एल जो लगा अपने देख सकते हो जो डबल कलर वाली है। बाकी हाई बीम की बात करें तो हाई बीम में इसमें एल ई डी है जिनके देख सकते हो। फ्रेंड की बात करो तो इसमें अपना कंपनी से लगा हुआ क्रोम की छले देख सकते हो। और बाकी ऑप्शन हमारे पास आपको महिंद्रा जर्मन की तो भी आपको मिल जाएगा। अगर फ्रंट गार्ड की बात करें तो इसमें महिंद्रा की जर्मन देख सकते हो जो कि फ्रंट गार्ड रहने वाला है। बाकी 60 साल की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक पास जो इसलिए में जो आता है अपना वो लगा सकते हो जो कि महिंद्रा की जर्मन है। 60 साल की बात करें तो इसमें महिंद्रा की डिफाइजर रहने वाला देख सकते हो। बाकी अपना फोर्ड फोर्ट्रेस की बात करें तो मैं इसका नॉर्मल अपना सिल्वर आता है तो उसको अपना सिल्वर को अपना स्टॉक रहने दिया बट इसमें अपना कोनी चेंज किया जो कि अपना इसमें वाली कोनी भी चेकअप कर सकती है अपना ऐसा रहने वाला है। बाकी अल्ट्राटोन भी चेकअप कर सकते हैं। हेलो देख सकते हो महिंद्रा जर्मन स्टॉक में रहने वाला जैसे महिंद्रा। बाकी पिलर की बात करें तो इसमें महिंद्रा की जर्मन पिलर रहने वाला चेकअप कर सकते हो अपना ऐसे रहने वाला देख सकते हो। स्कॉलर की बात करें तो इसमें आपको आफ्टर मार्केट स्कॉलर रहने वाला है जो देख सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको क्लेम रहने वाला है क्योंकि भैया ने आपको भैया ने कंपनी से लगवाया देख सकते हो। इसकी लाइट की बात करें तो इसमें लाइट रहने वाला है आपको आफ्टर मार्केट की पहचान है। बाकी ब्रेक लाइट की बात करें तो इसमें महिंद्रा की जर्मन ब्रेक लाइट चला है। रियर गार्ड की बात करें तो महिंद्रा की जर्मन इसमें रियर गार्ड चला जब आपको रहने वाला है। पीछे की बफर रहने वाला पीछे के सेफ्टी गार्ड भी देख सकते हो। ट्रैक्टर की बात करें तो देख सकते हो कितने लाइटिंग वाली है आगे। हेडलाइट की बात करें तो बहुत ही कुछ अपना ऐसा रहने वाला जो कि डी आर एल देख सकते हो। आगे प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर इसमें डबल इंग डाला जाए उसमें फ्रंट में अपना रहने वाला व्हाइट बैकग्राउंड में अपना रेड की स्टोर। बाकी एच आई डी की बात करें तो क्रिस्टल लाइट की एच आई डी और हाई बीम की बात करें तो इसमें अपना 90 वाट की दीवा की एल ई डी है कुछ अपना ऐसा रहने वाला रिस्पॉन्स। आगे फॉग लाइट रिस्पॉन्स की बात करें तो कुछ अपना ऐसा रहने वाला देख सकते हो। हमने अच्छे से प्रोजेक्टर प्लस में क्रिस्टल लाइट की एच आई डी प्लस में डी आर एल भी मैटिक रहने वाला है कुछ अपना क्रिस्टल बात करें कुछ अपना ऐसा लुक रहने वाला देख सकते हो। डी आर एल की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स रहने वाला है देख सकते हो। ऊपर वाले में नॉर्मल रहने वाला है। बाकी मिरर की बात करें तो इसमें महिंद्रा की जर्मन मिरर है जो कि आपको महिंद्रा की जर्मन स्विच के प्लस में चेकआउट कर सकते हो। मैं रहने वाला है मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। जो देख सकते हो आप बाकी आप एंट्री करते हैं तो सबको वेलकम प्लेट रहने वाला है। अंदर की बात करें तो इसमें फ्लोरिंग रहने वाला जो भी देख सकते हो जो कि अपनी वाटर प्रूफ फ्लोरिंग है। बाकी इसके अपने अच्छे बंडी भी चेकअप कर सकते हो। बाकी छेड़ी और की बात करें तो इसमें ब्लैक में अपना रेड पंचिंग रहने वाला है। एनोड की बात करें तो इसमें अपना हाइपरसोनिक रहने वाला है जो कि GT9 सीरीज। स्टेरिंग की बात करें तो इसमें अपना OEM स्टेरिंग मिलता है कुछ अपना ऐसे रहने वाला है। उसके बाद अपना इसमें सिल्वर चेकआउट होता है जो कि अपना S11 में आता है कुछ अपना चेकआउट हो सकता। रूफ की बात करें तो रूफ इसमें फुल ब्लैक हुआ है। देख सकते हो पूरी अपना रूफ लाइट की बात करें तो मैं देख सकते हो सन ग्लास होल्डर। सिस्टम की बात करें तो अपना मैं हाइपरसोनिक GT9 सीरीज डाला जो कि मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ वीडियो की रिस्पॉन्स। कुछ अपने ऐसे रहने वाले डोर पैनल की बात करें तो चेकअप होगी अपने ब्लैक में रेडी स्टिचिंग हुआ है। ये लाल दूसरा है वो चक्का लाल है क्यों तो ड्रम कर।
और स्पीकर की बात करें इसमें पानी के ओबल रहने वाला देख सकते हो। बाकी इसके दस्ते के भी फुल ब्लैक करके अपने पानी के ओबल लगा। बाकी यहाँ के पार्ट देख सकते हो उसको भी इसमें ब्लैक करके इसमें रेड कलर की स्टिचिंग हुआ है, कुछ अपने अच्छे कर सकते हो। बाकी पिलर की बात करें तो पिलर सारे ब्लैक हुआ, कुछ अपने ऐसे रहने वाले देख सकते हो। पिलर के साथ साथ में रूप ब्लैक हुआ, उसके बाद अपने इस लेवल वाले इसमें रेडिंग लाइट भी चेकआउट कर सकते हो, कुछ अपना ऐसे रहने वाला है। बाकी वीडियो का कंटेंट, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ओके बाय।